अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे पाखी को उसकी गलती का एहसास होगा। भाई आहिस्ता आहिस्ता पाखी को लगेगा वाकई उसने काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया और उसे इस तरह अधिक को परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बस फिर क्या था, पाखी जाएगी कपाड़िया हाउस में अधिक से माफी मांगने के लिए। पाखी अधिक को सॉरी बोलने के लिए जाएगी, लेकिन इससे पहले कि पाखी अपने दिल की बात अधिक को कह पाती, वो देखेगी अधिक और डिम्पी एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पाखी अधिक और डिम्पी को अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए देखेगी और जलन की आग में जल जाएगी। पाखी को लगेगा कि अधिक डिम्पी के साथ फ्लर्ट करके उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और डिम्पी भी अधिक को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रही है। यहाँ से पाखी अधिक और डिम्पी को खूब खरी खोटी आगे आने वाले एपिसोड में सुनाएगी। पाखी डिम्पी के कैरेक्टर पर सवाल उठाएगी और वहाँ दूसरी तरफ देविका की री एंट्री होने वाली है। देविका इस बार पाखी की अक्ल को ठिकाने लाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। जी हाँ, देविका पाखी को बताएगी कि लड़का लड़की सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि दोस्त भी होते हैं। देविका पाखी को बताएगी कि तुमने अधिक को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया कि अधिक अब सीधे सीधे डिम्पी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगा, डिम्पी के साथ अच्छी तरह से बात करने लगा। यहाँ पर पूरी तरह से देविका अधिक को अच्छा फील करवाने की कोशिश करेगी, डिम्पी को अच्छा फील कराने की कोशिश करेगी और पाखी को मोरल ज्ञान देने वाली है। अब पाखी इस ज्ञान को समझ पाती है या नहीं देखना होगा।